हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं दुर्गा पूजा घूमने के लिए। अभी तो हम लोग घर पे हैं, देखिए तैयारी कर ली है अभी, और अभी चलते हैं हम लोग लखनऊ में, देखते हैं कहाँ कहाँ पंडाल लगा हुआ है। दुर्गा पूजा आज नवमी है, तो देखते हैं आज कहाँ कहाँ पंडाल लगा है। तो आगे का ब्लॉग आपको दुर्गा पूजा के पंडाल से शुरू करते हैं। तो ये सदर में पंडाल लगा हुआ है, सदर के कैंटोनमेंट बोर्ड के सामने लगा हुआ है। देखिए तिरंगा का लगाया हुआ है, ये एंट्री गेट है। और सामने देखिए कितना बढ़िया पंडाल लगाया हुआ है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं, गेम्स लगे हुए हैं, और भीड़ भड़क्का भी बहुत है। खाने पीने के स्टॉल भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये सामने देखिए बुलडोजर लगाया हुआ है, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर। ये खाने पीने के स्टॉल है, ये सारे तरह के स्टॉल बने हुए हैं। सामने अपनी मूर्ति लगी हुई है दुर्गा माँ की। तो चलते हैं अब दूसरे पंडाल की तरफ। ये पंडाल तो हम लोगों ने देख लिया है, और अब दूसरे पंडाल चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा दूसरा पंडाल लाटूस रोड पे है, बंगाली क्लब के नाम से है, इसके अंदर चलते हैं। भीड़ देखिए कितना, पब्लिक आ रही है जा रही है, और पुलिस भी बहुत लगी हुई है। ये मेन गेट है पंडाल का, और इसके अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं सामने पंडाल और दुर्गा माँ की प्रतिमा देखते हैं। भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है, लखनऊ में सभी लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। खाने पीने की व्यवस्था भी बनाई गई है, और सिक्योरिटी पर्पस भी जो है बहुत अच्छा है, पुलिस भी बहुत लगी हुई है। देखिए आप जगह जगह पुलिस वाले देख रहे होंगे कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, जिसमें पुलिस वाले भी लगे हुए हैं। पंडाल देखिए कितना खूबसूरत सजाया गया है। तो अब जूम करके देखते हैं माता की मूर्ति, ये देखें, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। चलते हैं पास से, तो आपको मूर्ति के दर्शन कराते हैं, और आरती हो रही है वो भी आपको दिखाते हैं पास जाके। देखिए सामने आरती हो रही, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। माता की आरती हो रही है, ये देखिए मूर्ति कितनी खूबसूरत मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत। आपको वीडियो में तो कम खूबसूरत दिख रही होगी, पर सामने से बहुत ही कुछ ज़्यादा खूबसूरत मूर्ति लग रही थी माता की, और पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आई थी। ये देखिए कितने लोग दर्शन करने के लिए आए, आज नवमी है तो इसकी भीड़ ज़्यादा है, आखिरी पूजा है आज का। और हम समय पर पहुँचे थे, इसमें आरती भी खूब हो रही थी, माता की आरती हो रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। ये देखिए पंडित जी आरती करते हुए माता की। और देखिए खाने पीने का स्टॉल भी रखा गया हुआ है यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए साड़ी का स्टॉल है, इधर आपको अचार अचार मिल जाएंगे। यहाँ पर सामने आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ धनिया वनिया मिल रही थी, ये घर के सजावट के लिए सामान मिल जाएंगे, डेकोरेशन के सामान मिल जाएंगे। तो तरह तरह के काउंटर लगे हुए थे, खाने पीने के लगे थे, और सजावट के भी काउंटर लगे थे। वहीं से ये पूजा घूम लेते हैं, और अब चलते हैं हम लोग दूसरे पंडाल की ओर, क्योंकि बहुत से पंडाल लगे हुए हैं, सबको कवर करना है, तभी चलते हैं दूसरे पंडाल की ओर। तो अब हम लोग आ गए बॉयज़ एंग्लो पंडाल की ओर, ये भी लाटूस रोड पे ही है, पास में ही। देखिए भीड़ देखें यहाँ भी कितनी ज़्यादा है, यहाँ भी पब्लिक बहुत ज़्यादा आई हुई है पंडाल घूमने के लिए। चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि
महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए लाइन अलग अलग है, बीच में पार्टीशन करके रखा है और एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष रहेंगे। सामने माता की मूर्ति, चलते पास में। अब यहाँ पर भी ढोल नगाड़े खूब बज रहे हैं। देखिए ये सब ढोल वाले जो हैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बुलाए गए हैं, तो स्पेशली इस पूजा के लिए बुलाए जाते हैं इस डांस को करने के लिए। ये देखें कितनी खूबसूरत माता की मूर्ति दिख रही है, चांदी की तरह चमक रही है। और ढोल देखिए, आपको नए तरीके के ढोल मिलेंगे बजते हुए। दुर्गा पूजा का जो है मज़ा ही अलग होता है, और पूरे शहर को में पंडाल लगते हैं अलग अलग, तो लोग घूमने निकलते हैं, एक त्यौहार की तरह मनाया। यहाँ तो लखनऊ में तो अब बहुत कम बनता है, पर वेस्ट बंगाल कलकत्ता में बहुत ज़्यादा है। मैं गया हूँ वहाँ पर भी, और वहाँ पर भी बहुत अच्छा बनाया जाता है। ढोल की आवाज़ सुनिए, आरती हो, यहाँ भी हो रही थी आरती, तो हमने आरती को ज्वाइन किया, देखा हमने आरती यहाँ पर। देखिए सामने आरती हो रही है और लोगों की भीड़ देखिए, ये देखिए आपको देख के ही लग रहा होगा कि लोग कितने आ रहे जा रहे हैं। ये बाहर खाने पीने का स्टॉल लगा हुआ है, तो ये भी पंडाल हमने कवर किया। अब चलते हैं दूसरे पंडाल की तरफ हम लोग। तो ये हम लोग तीसरे पंडाल की तरफ आए, सबसे मेरा बेस्ट पंडाल, मतलब मुझे सबसे अच्छा जो लगा है, जो कि थीम रखी गई है, ये राम मंदिर की तरह यहाँ पर थीम रखी गई है इस पंडाल की। देखिए कितना ज़बरदस्त थीम रखी हुई है। अंदर भी जाएंगे अभी, भीड़ देखिए बहुत, सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर थी, लोग लाइन लगा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और लोगों को बहुत भीड़, मतलब इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं था इस पंडाल में। और ये पंडाल आपको मैं सच बता रहा हूँ कि ये पंडाल थर्माकोल का बनाया गया है, थर्माकोल का ये पंडाल है पूरा। मैंने पास से जाके चेक किया तो ये थर्माकोल का है। कितनी खूबसूरत कारीगरी दिखाई गई है, लखनऊ में पहला ऐसा पंडाल बना है जो इतना खूबसूरत बना है। लाइन देखिए कितनी लंबी लगी हुई है, ये देखिए एक तरफ से लोग जा रहे हैं, एक तरफ से निदर्शन करके निकल रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत पंडाल बनाया गया है। अभी हम भी लाइन में लगे हैं, चलते हैं हम भी आगे की ओर। देखिए लाइन, ये देखिए ये पूरा थर्माकोल का है, ये खम्भे हैं, पूरे सजावट थर्माकोल की है। और हम आगे देखिए, मूर्ति देखिए माता की, कितनी खूबसूरत सोने की तरह चमक रही हैं, कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। और पंडित जी सबको टीका लगाते हुए, मैंने भी टीका लगवाया पंडित जी से। और इतनी भीड़ को रुकने नहीं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि रुकने को दे ही नहीं रहे थे, देखते जाइए जाते जाइए, देखते जाइए जाते जाइए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर भी। और बहुत खूबसूरत, सबसे अच्छा पंडाल मुझे यहाँ का लगा, लखनऊ का सबसे। तो चलते हैं अब दूसरे पंडाल, ये देखिए लाटू रोड का तीसरा पंडाल, भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। ये देखिए मेन गेट है, लोगों की भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। ये मेन गेट है लाटू रोड का पूजा, यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। भीड़ देखिए लोगों के अंदर उत्साह ही अलग है, माता के दर्शन करने के लिए लोगों के अंदर उत्साह ही अलग है। तो लोग दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं माता के, क्योंकि नौमी है, यहाँ से पूजा कल ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर आप प्रसाद का भी वितरण होता है, और पूजा आरती यहाँ भी हो रही थी, तो हमने जो आरती को ज्वाइन किया यहाँ पर भी। और मूर्ति देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत मूर्ति माता की प्रतिमा बनाई गई है। देखिए पंडित जी आराधना करते हुए, ढोल नगाड़े देखिए कितना ज़बरदस्त, अलग अलग तरह के ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, कोई तरह की कमी नहीं है। ये देखिए पंडित जी कितनी अच्छी अलग तरीके से
माता की आराधना कर रहे हैं। और धीरे धीरे यहाँ लखनऊ में भी बहुत ज़्यादा ही पूजा का स्कोप हो रहा है, हर पूजा का यहाँ पर इसको। अभी हाल ही में आपने गणेश पूजा देखा होगा कितना अच्छा मनाया गया था, अब दुर्गा पूजा देखिए कितने अच्छी तरीके से मनाया जा रहा है, भीड़ भी पहुँच जाता है। तो दोस्तों हमने सारे पंडाल आपको दिखाया, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। और ये ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं।